ठंड को नहीं करोगा नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूट्रिशन। दोस्तों आपको बताइए कि आगरा में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्राउंड में ठीक इसी मैसेज करिए यार, चल रही है आज भर्ती प्रक्रिया का आगरा में तीसरा दिन था। इस समय हम मौजूद हैं भर्ती स्थल पर। दोस्तों आज जिन अभ्यर्थियों ने जीडी ट्रेड में एग्जाम क्वालिफाइड किया है उसमें झांसी और हाथरस जिले के अभ्यर्थियों की आज भर्ती होनी थी, क्योंकि जो सेना की तरफ से कार्यक्रम जारी किया गया है वो पहले दिन यानी कि 14 जुलाई को जिन्होंने ट्रेड्समैन ट्रेड में एग्जाम क्वालिफाइड किया था सभी 12 जिले के अभ्यर्थियों को एक साथ बुलाया गया। उसके बाद दूसरे दिन यानी कि 15 जुलाई को जिन्होंने टेक्निकल ट्रेड और क्लर्क ट्रेड में एग्जाम क्वालिफाइड किया था सभी 12 जिलों के अभ्यर्थियों को दूसरे दिन बुलाया गया, और आज तीसरे दिन सिर्फ झांसी और हाथरस जिले के अभ्यर्थी जो जीडी ट्रेड में एग्जाम क्वालिफाई जिन्होंने किया था उनको बुलाया गया, क्योंकि आपको पता ही है कि जीडी ट्रेड में ज़्यादा बच्चे होते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने वाले, इसी वजह से शेड्यूल बनाया गया है आज तीसरा दिन था। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि जो अंदर का जो नज़ारा है क्लब स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो ट्रैक बना हुआ है वो थोड़ा सा फिसलन भरा है यानी दलदल सा हो रहा है, तो जो कर्नल साहब हैं जो भर्ती प्रक्रिया करा रहे हैं वो काफ़ी इस बार अच्छे हैं और उन्होंने बच्चों की समस्या को देखा तो उन्होंने आज ग्राउंड में रनिंग कराने का फैसला जो आमतौर पर रहता है वो आज उन्होंने अपना बदल दिया। आज उन्होंने ट्रैक पर यानी कि ग्राउंड में रनिंग नहीं कराई है, बल्कि आज मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये जो रोड है आज इसी रोड पर अभ्यर्थियों को दौड़ाया गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो गोले में यानी कि ट्रैक पर फील्ड में अगर तैयारी कर रहे हैं ना रनिंग की, तो वो ग्राउंड के अलावा रोड पर भी तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है, बारिश का मौसम है, बारिश कभी भी पड़ सकती है यहाँ पर। इसी वजह से अभी हालांकि दो दिनों से बारिश नहीं हो रही है फिर भी ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, यानी पानी नहीं भरा हुआ है यानी कि फिसलन भरा ट्रैक है, एकदम दलदल सा हो रहा है। इसी वजह से आज उन्होंने तीसरे दिन भर्ती प्रक्रिया के तीसरे दिन ग्राउंड में ना करा के रनिंग रोड पर कराई है, तो हो सकता है कि अगर कल तक ट्रैक सही नहीं होता है तो कल भी रोड पर ही रनिंग आपकी करा दें। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कल आएंगे उनके पास तो समय नहीं है, लेकिन आगामी डेज में जो आएंगे उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ग्राउंड में तैयारी कर रहे हैं तो ग्राउंड के साथ साथ आप रोड पर भी तैयारी करना प्रारंभ कर दें। और दूसरी बात यह है कि आज भी 100 बच्चों का बैच बनाया गया और लगभग 100 बच्चों में से 50 बच्चों तक हाईएस्ट रनिंग क्वालिफाई यहाँ पर की है, यानी कि 100 में से 50 बच्चे पास किए गए हैं। साथ ही दूसरी गुड न्यूज़ ये भी है आपके लिए कि एक्सीलेंट में बच्चे अधिक रनिंग क्वालिफाइड कर रहे हैं, यानी कि लगभग एक बैच में से अगर 50 बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें से लगभग 30 से 35 बच्चे एक्सीलेंट में रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं, ये आपके लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों से मैं एक बार बात कहना चाहूँगा, काफ़ी अभ्यर्थी हम देख रहे हैं कि यहाँ डॉक्यूमेंट्स की वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिल पा रही है, तो यार आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आएँ। आप इतने दिनों से आपने रिटन टेस्ट की तैयारी की, एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद आप फिजिकल की भी तैयारी कर रहे होंगे और यहाँ आके देखते हैं कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है तो आपको फिजिकल से पहले ही बाहर कर दिया जाता है, यानी कि आपको दौड़ने का ही मौका नहीं दिया जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। एंट्री के समय कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। इन्हें देखकर आपको एंट्री मिल जाएगी, रनिंग करने का मौका मिलेगा। उसके बाद जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे, अगर बाकी के डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आपको डिसक्वालीफाइड नहीं किया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा। सेना की तरफ से 24, 25 और 26 जुलाई ये रिजर्व रखे गए हैं ये दिन, इन दिनों में आप अपने इन दिनों तक आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा दें। और मेडिकल दूसरे दिन हो रहा है, कोशिश करेंगे जिन बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की उनसे भी बात कराएंगे और भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक भी आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।